हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत करता हूँ। सेशन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 100 तक हो गए थे, उसके आगे आज देखते हैं। तो सेशन नंबर 6 चल रहा है, ये UPRB TG2 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 101 से आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर सेशन पसंद आए तो इसको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। वैसे जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिलना चाहिए इस वीडियो पर मिल नहीं रहा है यार, देखो तुम लोग प्लीज इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, मगर चलो क्या ही बोले, बस बन रहा है। नहीं मुँह मन तो एकदम ही नहीं करता, मगर तुम लोगों के लिए कुछ ऐसे हैं जो देखते हैं उनके लिए बनाना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो चलो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है? जनरेटर छोड़ो, हम तुमको एक बात बताते हैं, जितने भी मशीन होते हैं, मशीन हो, एसी हो, डीसी हो, जनरेटर हो, अल्टरनेटर हो, ट्रांसफार्मर हो, स्टैटिक हो या रोटेटिंग या डायनेमिक, कोई भी हो, जितने भी मशीन होते हैं सारे तुम्हारे क्या फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करते हैं, ठीक है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, ट्रांसफार्मर को भिड़ा देता है। ट्रांसफार्मर क्या भिड़ाता है? म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्टेंस कह देता है। देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टाइप हो जाते हैं, सेल्फ या म्यूचुअल, ठीक है। मगर होता है वही है क्या, जब तक फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन नहीं होगा, d∅dt नहीं होगा, तब तक सेल्फ या म्यूचुअल जो भी कहो उसमें नहीं हो सकता, ठीक है। तो फैराडे लॉ ही क्या होता है, सबसे अप्रोप्रिएट और सबसे पहला जो होता है जिसको बाप बोलेंगे तो वो हमारा यही हो जाएगा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तापमान में वृद्धि का प्रभाव है, यानी तापमान में वृद्धि करने से क्या क्या होता है। देखो अधातु मतलब नॉन मेटल, क्या नॉन मेटल का टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव यानी धनात्मक ताप गुणांक होता है? नहीं सर जी, ये तो होता है नेगेटिव, यानी ये तो पहला क्या होता है, नेगेटिव होता है, NTC होता है, क्योंकि धातु PTC होते हैं जो कि दिया होगा, मगर अधातु नहीं होते हैं। दूसरी, धातुओं का प्रतिरोध तो का वोल्टेज गुणांक धनात्मक होता है? नहीं, देखो इससे कोई मतलब नहीं, करंट क्या होता है, धनात्मक होता है, करंट गुणांक जो होता है वो धनात्मक होता है, वोल्टेज नहीं। तीसरा, धातुओं का तापमान नेगेटिव होता है? नहीं, ये सर जी तो इंसुलेटर का या सेमी कंडक्टर की बात करें या फिर इलेक्ट्रोलाइट का होता है। तो हमारा सही क्या हो जाएगा कि सर जी धातुओं के प्रतिरोध का तापमान गुणांक धनात्मक होता है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, जिसको NTC तो जिसको PTC बोलते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और यूनिट की बात करें तो सर जी पर, अगर यूनिट बात करें तो क्या होगा सर जी, पर डिग्री सेल्सियस इसकी यूनिट होती है टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसको याद रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कौन सा यंत्र है या फिर वो कौन सी डिवाइस है जिसमें क्या होते हैं, एक ही सिंगल वाइंडिंग प्राथमिक और द्वितीयक दोनों के रूप में यूज़ करते हैं, यानी एक ही वाइंडिंग है जिसको वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी बोलते हैं, तो हमारा कौन होता है सर जी, कुछ और नहीं, ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। कौन होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। इसमें एक तरीके की ऐसी वाइंडिंग होगी, यही तुम्हारा इनपुट का काम करेगा, और यहीं से अगर टैपिंग करके निकाल लोगे तो यही तुम्हारी आउटपुट का काम करता है। इससे क्या होती है, तुम्हारी कॉपर की बचत होती है, ठीक है, कॉपर की बचत होती है, पावर ट्रांसफ़र ज़्यादा हो सकता है, और इसमें जो पावर ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रिकली के साथ साथ मैग्नेटिकली दोनों हो सकता है, ठीक है, इसलिए थोड़ी एफिशिएंसी भी अधिक हो जाती है, सही है ना। चलो मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कॉपर की बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी परिपथ सर्किट वियोजन में अगर आर्क के क्रॉस सेक्शन या क्षेत्रफल में कमी कर दी जाए तो उसमें आर्क को अनुरक्षित करने के लिए आवश्यक वोल्टेज क्या हो जाएगी, ठीक है। पहली कहानी देखो, क्षेत्रफल में कमी कर जाए, देखो कुछ और नहीं होता, आर्क क्या होता है, एक तरीके से हमारा प्रतिरोध का ही, प्रतिरोध के व्यवहार की तरह काम करता है, यानी L/A बोल दे तो कोई गलत नहीं होगा। और जानते हो अधिकतर क्या होता है, जो इसका प्रयोग करते हैं हम DC में प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग हम DC जो सप्लाई देते हैं, क्योंकि DC सप्लाई में भी आर्किंग होती है, तो ये जो क्षेत्रफल कम करके ज़्यादा करके बात करते हैं आर्किंग की, वो DC वाले में बात करते हैं। AC वाले में बात करते हैं तो तुम्हारा करंट जीरो करना फलाना ढिमकाना हो जाता है, ठीक है। तो DC में अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम करते हैं, जो कि बोला है कि आर्क का प्रक्षेप काट कमी कर दिया है, तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए देखो यहाँ पर बढ़ जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, यानी पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि घट जाता है, अब ये बढ़ जाता है और ये बढ़ जाता है, दो चीज़ें। अब देखो अगली कहानी, क्षेत्रफल में कमी करने से क्या होता है, ध्यान समझ जा, क्षेत्रफल में कमी करने से क्या होता है, आर की वैल्यू बढ़ जाती है। अब आर की वैल्यू बढ़ेगी तो ध्यान से समझ लो, इसे रिलेशन कैसे निकालोगे, आर की वैल्यू बढ़ी
तो सर जी आई की वैल्यू करंट की वैल्यू घटी जाती है, और जब कहीं पे भी करंट की वैल्यू घटती है तो उसी अनुपात में लगभग की बात करना सब केस में नहीं कुछ केसों में बी की वोल्टेज बढ़ जाती है। तो देखो वही बोला है ना आवश्यक वोल्टेज, तो आवश्यक वोल्टेज क्या हो जाएगी हमारी वृद्धि हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन फोर सही हो जाए। ठीक है, किस तरीके से करना है देखो सबसे आसान तरीका है, तो कुछ लोग को ये क्वेश्चन बहुत हार्ड लगेगा, सही है ना। अगला देखो, विद्युत चुंबकीय आकर्षण रिले यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले है को किस गुण से संचालित होता है जो विद्युत के ध्रुवों जो विद्युत चुंबक के ध्रुवों की ओर आकर्षित होता है या एक सोलेनाइड को आकर्षित हो रहा होता है। ठीक है, तो देखो करते क्या हम इसमें जो आकर्षण रिले होते हैं उसमें क्या करते हैं, हम एक आर्मेचर पे कॉइल लपेट देते हैं, एक आर्मेचर पे कॉइल लपेट देते हैं। ठीक है, जो अधिकतर सबकी प्रॉपर्टी क्या होती है वो अट्रैक्ट करके ऑन या ऑफ करने का होता है। ठीक है, जो भी आकर्षण रिले होता है वो जो सेंस करेगा वो हमेशा किस पे होते हैं, मैग्नेटिक पे होता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय के ध्रुव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो होगा ही हर चीज़ में, बिना विद्युत के कुछ नहीं हो सकता। तो वो क्या काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय आकर्षण रिले के आर्मेचर के गुण से संचालित होता है, क्योंकि आर्मेचर पे ही हम क्या करते हैं कॉइल लपेटते हैं और जो मैग्नेट का रूप हो जाता है जो विद्युत चुंबक के ध्रुवों की ओर आकर्षित या विकर्षित सॉरी आकर्षित या फिर सोलेनाइड को आकर्षित करने का काम करता है। तो याद रखना मेनली यही पूछा है कि जो कॉइल वॉइल होती है वो किस पे होती है, आर्मेचर पे होती है। ठीक है, स्टेटर नहीं रोटर नहीं आर्मेचर। ठीक है, चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। क्या बोला, थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, सॉरी अभी ये बोला नहीं कि थ्री फेज है, फिलहाल क्या बोला, एक इंडक्शन मोटर है, दो पोल स्टेटर हैविंग थ्री आइडेंटिकल वाइंडिंग, थ्री आइडेंटिकल वाइंडिंग मतलब अब यहाँ पे हो जाता है थ्री फेज। ठीक है, जो कि क्या है हमारे 320 डिग्री स्पेस है, यानी 120 डिग्री का तब में अंतर, यानी ये है ये है ये है। ठीक है, अगर ये वी आर है तो ये वी बी हो जाएगा और ये वी वाई हो जाएगा। तो ये कितने होता है जी, केवल और केवल कितने हो सकता है, थ्री फेज में ही हो सकता है, जिसकी कितनी होती है ये 120 डिग्री सब में, इसमें भी इसमें भी, सही है। चलो तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्या बोला है कि एक 250 10 किलोवाट के पृथक रूप से उत्तेजित जनरेटर के पूर्ण लोड पर ईएमएफ कितना है, 255 वोल्ट। यानी एक तरीके से ईएमएफ की बात करें तो देखो ईबी का मान है 255 वोल्ट है। ठीक है, जनरेटर है तो लोड पे कितना जा रहा है, देखो क्योंकि ये 250 वोल्ट 10 के पृथक उत्तेजित है तो लोड पे कितना जा रहा है हमारा, वीएल की बात करें यानी लोड पे तरीके से कितना जा रहा है, 250 है। वैसे इसको ईबी नहीं बोलेंगे जी, इसको क्या बोलते हैं, जी बोलेंगे ना, क्योंकि बैक ईएमएफ नहीं जनरेटर है। तो हमको पता है कि जनरेटर हमेशा ज़्यादा होता है और कुछ छाए होकर हमको एक आउटपुट के टर्मिनल पे मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लोड वोल्टेज मिलते हैं। ठीक है, ब्रश ड्रॉप कितना हो रहा है, 2 वोल्ट का हो रहा है। ठीक है, ब्रश ड्रॉप 2 वोल्ट का हो रहा है और ये कितना है, तो 40 एम्पीयर धारा करने के लिए कितने ओम का जरूरत पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, देखो लगा दो। तुमको पता है कि सर जी जो जनरेटर है वो ईजी बराबर वी प्लस आई ए आर ए होता है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, इतना हो गया। अब देखो जब इतना हो गया अब आगे देखते हैं यहाँ पे कहानी क्या होगी, ई जी की वैल्यू दी हुई है सर जी 255 है, वी की वैल्यू जैसा रहेगा कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सर जी 250 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा सर जी आई ए आर ए, हमको आर ए चाहिए ना, तो आर ए लिख देते हैं और आई ए कितना है सर जी 40 वोल्ट है। अभी देखो कहानी ख़त्म नहीं हुई है, 255 में से 250 जाएगा सर जी 5 बटा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 5 में से भी तो वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट हो रहा है। ठीक है, प्रति ब्रश कितना है 2 वोल्ट हो रहा है, कितने ब्रश लगते हैं 2 लगते हैं, तो कितना हो जाएगा सर जी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस कर देते हैं 4, ये कितना हो गया, इसको निकालेंगे तो हमारा सर जी निकल कर आया ये 1 बटा, यही निकला ना 1/40, 1/40 निकला। तो जो 5 - 4 के तो 1/40 है, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.0 करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो गया, फिर एक 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 25 यही निकल कर आया, 0.25 ओम निकल कर आया। अब देखो 0.25 कहीं नहीं मिल रहा है मगर ये 2.25 मेगा मिली ओम मिल रहा है, तो जब इसको हज़ार से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिली में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब मिली में कन्वर्ट हो जाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ही हो जाएगा। सही है, किस तरीके से करना है देखो, घुमाने को तुमको ये दे दिया, फलाना ढमकाना बहुत सारी चीज़ें दे दिया,
मगर तेजी से लिख दिया, ठीक है, मगर है यही तरीका, सही है ना। चलो अगला देखते हैं। जो हिंदी में है उसको प्रयास किया जा रहा है, जो इंग्लिश में प्रयास किया जा रहा है हिंदी में बताने का, जिसको पूरा देखना है तुमको, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ रिले, यानी निम्न में से कौन सा एक प्रॉपर्टी रिले का जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि डिटेक्ट द करेक्टली पार्ट ऑफ सिस्टम इन ट्रबल और डिस्कनेक्ट द फॉल्टी पार्ट ऑफ विदाउट डिस्टर्बेंस। अच्छा, कि जिससे हम ये पता चल सके कि जो डिफेक्टिव पार्ट है उसको बिना परेशानी से वो क्या कर सके, अलग कर सके, और जो बिना डिफेक्टिव पार्ट वाला है वो रेस्ट क्या कर सके, आराम से अपना काम करते रहे, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, सेलेक्टिविटी होती है। सेलेक्टिविटी मतलब समझ रहे हो कि किस पार्ट को हमको ओपन करना है और किसको आसानी से चलाने देना है उसको बोलते हैं। सेंसिटिविटी तो मतलब होता है कि फॉल्ट वाली चीज़ को कितना जल्दी सेंस करता है, मगर सेलेक्टिविटी का मतलब होता है चुनना कहाँ पे फॉल्ट है कहाँ पे नहीं है। अब जो फॉल्ट नहीं है उसको भी हल्का फुल्का जब करने लगेगा तो दिक्कत वाली बात है ना। तो वही चीज़ है, किस सर्किट को ब्रेक करना है किसको नहीं, ये हमारी सेलेक्टिविटी में आती है, जो रिले का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है। बाकी तीन भी होना चाहिए इसमें नो डाउट, ठीक है, मगर जो इसके लिए चौथा सही बढ़ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस तरह के एसी वितरण का हिस्सा है जो सामान्य उपयोग की तुलना में कुछ हद तक वोल्टेज पर संचालित होती है और औसत निम्न वोल्टेज पर उपभोक्ता उपयोग की तुलना में विद्युत ऊर्जा के बड़े ब्लॉकों को संभालती है, ठीक है। बड़े ब्लॉकों को कौन समझता है जी, जहाँ पे 11 केवी हो या 33 केवी हो, यही हो गया ना, बड़े विद्युत ऊर्जा के बड़े ब्लॉकों को संभालती है। तो यहीं से टैपिंग करके देंगे ना, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं 11 केवी पे 33 केवी पे चलने वाली, तो हमारी कौन होती है 11 केवी 33 केवी पे चलने वाली, सर ये और कुछ नहीं होता है, हमारी होती है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ही बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं सर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पे तो तुम्हारे 440 वोल्ट आ जाते हैं, ठीक है, 440 वोल्ट आ जाते हैं सेकेंडरी में। तो प्राथमिक जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है यहीं पे क्या होता है, तुम अलग अलग इंडस्ट्री को दे सकते हो आसानी से, सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, पता है सर जी पहले ही बताएं, सेमी कंडक्टर हो यानी अर्धचालक हो, इंसुलेटर हो या फिर इलेक्ट्रोलाइट हो जो बैटरी वटरी में भरते हैं, सभी का ताप गुणांक जो होता है क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तीन चार क्वेश्चन देख रहे हो एंटी से पूछा जाता है, यानी एक ही क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ रहा है और पेपर बोल दो कि हार्ड है, सही है, तो ऋणात्मक सही हो जाएगा। आगे देखो, शुद्ध प्रेरक प्रेरण प्रतिपथ है तो धारा प्रेरित वोल्टेज से कितना हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर, ये है इसको अच्छे बना देते हैं, एक ये बना देते हैं फिर एक ये बना देते हैं। अब हमको पता है कि सर जी तो प्रेरक प्रतिघर्त, प्रेरक में क्या होता है, वोल्टेज आई होता है करंट पीछे होता है, कितना डिग्री सर जी, कुछ नहीं 90 डिग्री, जिसको क्या बोलते हैं पाई बाई 2, रेडियन में दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, तब भी तो सर जी आंसर यही होगा, आंसर यही होगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन ईजी है, सभी क्वेश्चन ईजी है, बस करने के ऊपर है, जो करेगा फल पाएगा। देखो 50 मिली हेन की प्रेरकत्व है और 10 ओम के प्रतिरोध वाले कॉइल को 250 वोल्ट एसी आपूर्ति से 25 माइक्रोफैरड के संधारित्र के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो अनुनाद पर प्रभावित होने वाली धारा का मान कितना होगा, अनुनाद पर पूछ रहा है, तो रेजोनेंस पे सर जी इसका कोई वैल्यू नहीं, रेजोनेंस इससे क्या मतलब है, ये तो भले ही 2πfc करके XLXC निकाल लीजिए, 2πfL बराबर XL1/2πfc करके XC निकाल लीजिए, मगर कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि हमको पता है सर जी XL बराबर XC हो जाता है रेजोनेंस पे, और ये दोनों कहानी आपस में ही काट मर जाते हैं, बसता कौन है हमारे पास, केवल रेसिस्टेंस बसता है, तो रेसिस्टेंस बदला तो हमको पता है सर जी I बराबर V/R होता है, V की वैल्यू सर जी 200 वोल्ट दिया हुआ है, R की वैल्यू 50 है 10 है, काट देंगे कितना आ जाएगा सर जी 20 एम्पियर आ जाएगा, इसलिए 20 एम्पियर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सही है। देखो दिया इतनी चीज़ें और कुछ लोग निकालेंगे भी, ठीक है, मगर अंत में प्राप्त यही होगा उसको, यानी टाइम वेस्ट करके चले आएंगे। चलो बोला क्या है कि मैग्नीन के एक तार के टुकड़े में 1.5 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है, यानी मैग्नीन के एक तार का एक टुकड़ा लिए जिसका 1.5 ओम प्रतिरोध है, यदि लेड का विशिष्ट प्रतिरोध मैग्नीन के विशिष्ट प्रतिरोध का 20 गुना है, ठीक है 20 गुना है, तो 1/3 लंबाई और 1/3 व्यास वाले लोड तार का प्रतिरोध कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या बोला है, मैग्नेट के तार का प्रतिरोध कितना है 1.5 गुना है, ठीक है, और यदि लेड के विशिष्ट प्रतिरोध मैग्नेट के विशिष्ट प्रतिरोध का कितना है 20 गुना है, सही है, यही पूछा है ना, तो उसके लंबाई वाले व्यास कितना मान होगा,
अब हमको पता है कि मैग्नेट के विशिष्ट प्रतिरोध, मैग्नेट के एक टुकड़े का देखो ये तो प्रतिरोध दिया है जी, ठीक है, यानी ये तो आर की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब देखो ये बोला है कि जो इसके मैग्नेट के जो रो की वैल्यू होगी, ठीक है, यदि लेड के विशिष्ट प्रतिरोध मैग्नेट के विशिष्ट, अब जो एक लोड हम एक लेड यानी शीशा तार का प्रयोग किया है तो इसका जो प्रतिरोध है वो कितना है मैग्नेट के, यानी जो ये रो वाला है मैग्नेट वाला, इसका 20 गुना है, इसका 20 गुना है, ठीक है, 20 गुना है, कोई दिक्कत है? नहीं सर जी। अच्छा तो बोला क्या है, तो उसके एक तिहाई लंबाई और एक तिहाई व्यास वाले लेड का प्रतिरोध कितना होगा? तो हमको पता है सर जी, होता क्या है कि R बराबर रो L बाई ए, यही लगाते हैं। रो यहाँ से देखो क्या निकलेगा, ध्यान समझना, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से तुमको लंबाई पता है, एक तिहाई लंबाई है एक तिहाई व्यास है, ठीक है, तो यहाँ से तुमको R की वैल्यू पता चल गई, रो की वैल्यू पता चल गई, L बाई ए का रेशियो निकलेगा, ठीक है, L अपॉन ए का रेशियो निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे तुमको रो दे दिया है, सही है ना, यहाँ पे तुमको रो दे दिया है, तुमको जब रो दे दिया है और R तुमको पता चल गया कि R बराबर पिछले वाले का कितना होगा, तो लेड के तार का प्रतिरोधी पूछा है ना, तो R बराबर रो L बाई ए है, रो तुम कितना रख सकते हो, रो रख सकते हो तुम 20 गुणे रो, यही रखोगे ना मैग्नेट का, पहले मैग्नेट का पूरा निकाल, सॉरी पहले मैग्नेट का पूरा निकालेंगे, फिर जब मैग्नेट का पूरा निकल जाएगा तो तुमको किसका रखना है, फिर लेड का रखना है, ठीक है। तो जब लेड का रखोगे तो तुम्हारा अप्रॉक्स किसके बराबर आएगा, 90 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो कमेंट कर देना कि सर 113 का नहीं आया, मगर करना इसी तरह जब जो ये रिलेशन बना लिया ये वाला, ठीक है, जो ये रिलेशन बना लिया वो आराम से कर लेगा, सही है ना, और ये L बाई ए वाला रिलेशन, ठीक है ना। चलो नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, फिर से बता देंगे, मगर देखना जरूर। चलो फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है सर, जैसे सबको पता है कि मिनिमम फ्यूजिंग करेंट अपॉन रेटेड करेंट सबको पता होता है, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, एक से ज़्यादा होती है, सही है ना। चलो आगे देखो, वो कौन सा मोटर है जो सभी प्रकार के रिपल्सर मोटर के समान होता है सिवाय इसके कि इसमें एक अतिरिक्त स्टेटर वाइंडिंग और दो ब्रशों को एक और सेट होता है और जिसमें सामान्य शॉर्ट सर्किटेड ब्रश सेट के बीच में ही रखा जाता है, ठीक है। देखो बोली दिया है रिपल्सर मोटर के समान होता है, तो रिपल्सर मोटर के समान कौन होगा, दूसरा रिपल्सर मोटर ही आएगा, नाम से क्लियर हो गया, इसको कुछ करना नहीं था। जिसमें क्या होता है पता है सर जी, दो ब्रश की आवश्यकता होती है, ठीक है, सेट लगे होते हैं, स्टेटर वाइंडिंग दो ब्रश होते हैं, कम्यूटेटर होता है, प्लांटिंग का जो भी होते हैं इसमें ही होते हैं, ठीक है। तो रिपल्सर मोटर का एक प्रकार यानी कंपनसेटेड रिपल्सर मोटर होगा, ठीक है ना, तो है तो वही ना कंपनसेटेड रिपल्सर मोटर, उसी का टाइप है ना, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नाम से क्लियर हो जाते हैं बट वहाँ पे लोग ज़्यादा दिमाग लगाने लगते हैं। चलो पूछा क्या है, एक सिंगल फेज 50 हर्ट्ज़ की कोर टाइप ट्रांसफार्मर में एसी कोर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका अनुप्रस्थ काट कितना दिया है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, अधिकतम अनुमेय फ्लक्स कितना है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, 3000/220 अनुपात के लिए प्राइमरी वाइंडिंग में वर्तनों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी। अच्छा क्या करते हैं इसमें, देखो इसमें वो क्या प्राइमरी वाइंडिंग के वर्तनों की संख्या कितनी होगी, कोई दिक्कत नहीं, सारे वाइंडिंग ले लेते हैं, क्योंकि वेबर कभी नहीं बदलता है, क्रॉस सेक्शन एरिया कभी नहीं बदलेगा उसका, और फ्रिक्वेंसी कभी नहीं बदलती, ये तीनों कभी नहीं बदलते, तो निकाल लेते हैं। EB1 कितना दिया है सर जी, 3000 दिया है, वो देखो हम बस तरीका बता दें सॉल्व करोगे तो वही आएगा, फिर कितना लिखते हैं 4.44 लेते हैं, ठीक है, ये कितना दिया हमको पता है सर जी, यहाँ पे फाई एम होता है ना, हाँ सर जी फाई एम होता है, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी होती है और सर यहाँ पे N1 होता है, क्योंकि सर जी जब ये 3000 लिए तो प्राइमरी का है ना, तो यहाँ पे N1 ही लेना पड़ेगा। अब देखो हमको यहाँ पे हमको पता है सर जी क्या, कि B बराबर होता है फाई अपॉन ए होता है, ठीक है, तो B की तो वैल्यू दी हुई है और A की वैल्यू दी हुई है, मगर ध्यान से देखना, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे रखना है ना फाई, तो फाई निकाल लेते हैं, B कितना दिया है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर दिया है ना,
तो 5 into a हो जाएगा ना, तो 5 बराबर b into a, b की वैल्यू रख दी 1, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 400 cm² है ना जी। मीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा, और 100 का स्क्वायर तो 100 × 100 यही करना पड़ेगा, सही है, 100 × 100। अब रख दो 3000 × 3000 बराबर 4.44, कितना हो जाएगा 5m की वैल्यू, 400/10³, यही हो जाएगा, सॉरी 10^4 हो जाएगा ना, 10^4। फ्रिक्वेंसी कितनी दी है जी, 50,000 दी है, और ये हमको n1 की वैल्यू निकालने। तुम सॉल्व करके देखना, हो सकता है कि पॉइंट में आ जाए, हो सकता है कि पॉइंट में आ जाए, मगर आएगा यही, ठीक है ना, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखना तुम्हारा कितना आएगा, 338 ही आंसर आएगा, ठीक है ना। देखो तरीका बता दें कैसे निकालना है। अगला क्वेश्चन देखो, एक एसी परिपथ में साइन तुल्य करें, RMS मान क्या होगा। एक एसी परिपथ में ज्यावक्रीय धारा साइन तुल्य करें का RMS मान 45 के कोण पर इसके मान के बराबर होता है। ये नहीं समझ में आ जाए, देखो क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसके मान के बराबर होता है, कोण पर इसके मान के बराबर किसके, ठीक है। वैसे एक चीज़ तो होता है, देखो जब वी आई साइनसोइडल करंट होते कोई दिक्कत नहीं है, जब वी और आई की वैल्यू बराबर होती है, जब वी और आई की वैल्यू बराबर होगी, ठीक है, तो जो आर की वैल्यू होती है, ठीक है, कितने एंगल पे बनता है, तो कहते हैं सर जी 45 डिग्री पे बनता है, कितने पे बनता है, 45 डिग्री, जब वी और आई की वैल्यू बराबर होती है तब, ठीक है, ओम ला कहता। तो यहाँ पे हो सकता है ये कह सकता है कि जब RMS सभी करंट बराबर है, ठीक है, तो 45 डिग्री पर ही बनता है। और कभी कभी ये होता है कि पावर फैक्टर में पूछता है 45 डिग्री कब आता है, तो सर जी जब R का मान Z के बराबर हो जाता है, उस समय पावर फैक्टर का भी मान कितना हो जाता है, 45 डिग्री हो जाता है, क्योंकि हमको पता है सर जी cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और हमको पता है cos 5 बराबर R/Z निकालोगे तो भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये कहानी इतने के बराबर हो जाती है, सॉरी ये कहानी इसके बराबर हो जाएगी, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिकल सभी है मगर इजी है, क्या दिया है, टर्मिनल ए बी बी सी सी डी डी ए और बी डी के मध्य प्रतिरोध दिया हुआ है इतना इतना इतना, नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली दो बैटरी के ए और सी की मध्य जुड़ी है, 200 में प्रतिरोध में धारा का मान, देखो कुछ किया नहीं होगा ये, सॉरी वेटेशन बीज बनाया हुआ शायद, देखते हैं, ये बना लेते हैं ए बी सी डी, इसके बीच में कितना प्रतिरोध है, ए बी के बीच में 10 है, बी सी के बीच में कितना है सर जी 20 है, सी और डी के बीच में कितना है सर जी 15 है, डी और ए के बीच में कितना है सर जी 5 है ना, और बी और डी के बीच में कितना है सर जी 40 है, यही बना है ना, ये देखो वेटेशन, देखो 20 और 5 करोगे तो 5 × 2 = 10, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, दस 20 15 5, सही है। और कितनी लगी है, 20 वोल्ट लगी हुई है, कहाँ ये कितनी लगी हुई है, 20 वोल्ट लगी हुई है, ठीक है। हमसे पूछा क्या है कि 10 ओम में कितना करंट का मान जाएगा, यानी इसमें आई की वैल्यू पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो पहले देख लो ये बैलेंस है कि नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सर जी 150 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सर जी 100 ही आ रहा है, यानी बैलेंस ब्रिज नहीं है, ठीक है। अच्छा जब बैलेंस ब्रिज नहीं है तो तुमको क्या करना पड़ेगा सर जी, तुमको अब आपको इसको स्टार में बदलना पड़ेगा, ठीक है, इसको स्टार में बदल के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर लीजिएगा, फॉर्मूला बताएं यूट्यूब पे, ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब न्यूमेरिकल सेशन चल रहा था तो पूरा क्वेश्चन बता दें, तब ये हो जाएगा, इतना निकल कर आएगा, ठीक है। तरीका बता दें, स्टार में बदल के करना पड़ेगा, दोनों को एक को बदल देंगे अपने आप दूसरा हो जाएगा। ऐसा मोटर जो अल्टरनेटर या एसी जनरेटर के विद्युत रूप से सदृश होता है, हमको पता है कि सिंक्रोनस मोटर की बात करें लगभग सेम होती है, क्योंकि उसमें भी स्टेटर घूमता है, इसमें भी स्टेटर घूमता है, उसमें रोटर स्थिर होता है, इसमें भी रोटर स्थिर होता है, उसमें भी रोटर में सप्लाई देते हैं डीसी, इसमें भी रोटर में सप्लाई देते हैं डीसी, ठीक है। और दोनों क्या होते हैं, लीडिंग लैगिंग
और यूनिटी पावर फैक्टर पे चलता है और ये भी चलता है, तो तीनों आपस में एक तरीके से समान रूप से हैं, ठीक है। चलो दक्षता किससे दिखाते हैं जी, सॉरी दक्षता की बात करते हैं, हमको पता है दक्षता बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी बराबर आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना, यही होता है। तो आउटपुट बराबर क्या लिख सकते हैं, आउटपुट बराबर क्या हो सकता है, इनपुट माइनस, ध्यान समझना, इनपुट माइनस लॉस कर दें, इनपुट माइनस लॉस कर देंगे वही निकल के आएगा ना, और ये इनपुट हो जाएगा। अब देखो इनपुट माइनस लॉस यानी इनपुट जो दिए उसमें तो जब लॉस कर दिए तो वो आउटपुट में ही जाएगा ना, तो देखो इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इनपुट बटे इनपुट माइनस लॉस बटे इनपुट, कोई दिक्कत है नहीं सर जी, इनपुट बटा इनपुट सर जी वन हो जाएगा। ये क्या दिया है, लॉस यानी हानियाँ बटे हानियाँ, जिसको हानियाँ तुम कहते हो, बटे इनपुट, वो एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है। देखो क्या दे दिया, अगर दूसरा तरीका घुमा दिया तो फंस गया, ठीक है ना, मगर है क्वेश्चन इजी, सही है। चलो तो आई होप ये सेशन पसंद आया होगा, जो एक न्यूमेरिकल छोड़ें उसको करना जरूर, ठीक है, उसी फॉर्मूले पे है आ जाएगा जो रो वाला बताएं, ठीक है, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर सकते हो, मगर यार सपोर्ट करो यार, तुम लोग सपोर्ट की ज़रूरत है, तुम लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। चलो ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में रिस्पॉन्स मिलेगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। अगर सेशन पसंद है तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, मस्ट बी सब्सक्राइब, ठीक है, यू हैव टू सब्सक्राइब इट, सब्सक्राइब, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।